एक का भी 10 दिन में 2 लाख माफ हुआ हो तो रामनिवास जी बताएं, यहीं कर्ण पकड़ के उठक बैठक लगाऊंगा यहीं पे आपके मंच से। लेकिन कमलनाथ जी तो अभी भी इसी तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, पुरानी पेंशन स्कीम हम लागू कर देंगे। उनको देना लेना है ही नहीं तो घोषणा करने में क्या दिक्कत है भाई, लेना ना देना मगन रहना। 15 महीने में दिया नहीं ना किसी को कुछ। मैंने कहा ना, एक को भी 2 लाख का कर्जा माफ किया हो 10 दिन में तो बताएं, तो 2-2 हजार की बताने लगते हैं हम 10 लाख की करते भाई। तो आपने 2 लाख कही थी, 2 हजार की गिनती क्यों बता रहे हो? और कही थी कि नहीं कही थी ये आप बताओ। 10 दिन की कही थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बुलवाई थी, कही थी, आप भी थे गवाह उसके, आप भी थे गवाह, फिर मेरे से काहे को पूछ। लेकिन ये बहुत अच्छा मंच है, वो तो बाहर यही कहते हैं, हम तो विधानसभा में आंकड़े रखते हैं। जब आप कहते हैं कि 15 महीने में कोई काम नहीं किया तो कहते हैं कर्ज माफी का हमने काम किया, डंके की चोट पे। आप विधानसभा से आंकड़े निकाल लीजिए, अब संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं, इससे बेहतर क्या जवाब देंगे? मैं कितना बेहतर जवाब दे रहा हूँ, आपके चैनल पे कमलनाथ जी आए, वो 2 लाख का जिसका कर्जा माफ हुआ उसको लाके बिठा दे। एक भी शख्स नहीं। सुनो तो साहब, 4,000 रुपए महीना जो बेरोजगारी भत्ता देना थी, एक नौजवान एक को लाके अपने मंच पे बिठा लें। आपके मैं आपके सामने आपके मंच पे स्टेज पे आके माला पहनाऊंगा उनको, उनको माला पहनाऊंगा ना। वो अच्छा मुंह से ही बोल दें, मुंह से। अच्छा ये 2 बड़े नेता हैं हमारे, एक तो अध्यक्ष ही है प्रदेश के, ये यही बोल देना मुंह से, मैं यही माफी मांगूंगा अपनी बात के लिए कि भाई मेरे श्योपुर में, सबलगढ़ में, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मुरैना जिले में भाई लोकेंद्र जी का 2 लाख रुपया माफ हुआ, ऐसा अभी बोले। अभी माफी मांगता हूँ, इसी वक्त माफी मांगूंगा, कान पकड़ूंगा दोनों के। मैं बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट है गृह मंत्री का। और सर कोशिश हम भी करेंगे जरूर कि एक मंच पर अपन माफी मांगूंगा। एक नौजवान को बेरोजगारी भत्ता दिया है आपके, देखो मैंने फिर दोबारा कहता हूँ, ये विधानसभा या लोकसभा अकेला फोरम नहीं है, विधानसभा या लोकसभा अकेला फोरम नहीं है, ये फोरम आपका भी है। अगर अगर ऐसा लगता है कि हम अपनी बात कह रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं और हम अपनी बात कहने में गलत हैं, तो मीडिया के माध्यम से हमको अपनी बात कहना चाहिए। ये एक सरल सा माध्यम भी है जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। देखिए वो महोदय कुछ माननीय मंत्री जी, आपने कर्जा माफी की बात करी, आप ही के कृषि मंत्री का, आप ही के कृषि मंत्री का जवाब है कि 27.5 लाख किसानों का कर्जा मध्य प्रदेश में माफ हुआ है। 2 किस्तें माफ कर चुके थे, तीसरी किस्त माफ किया जाना थी, तब तक आपने अनैतिक तरीके से सरकार गिरा दी। आप ये कह रहे हो मैं सूची उपलब्ध करा दूं, मैं श्योपुर के किसानों की अपने यहाँ की सूची उपलब्ध करा दूंगा कि कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ है। आपका ये आंकड़े प्रस्तुत किए, ये देखना अब इनने जो बात कही सिर्फ उसको मैं रिपीट करता हूँ। इनने कहा है अपनी बात में कि आपकी सरकार ने विधानसभा में कहा कि 27,000 किसानों का कर्जा, 27.5 लाख का इनने कहा, इनने ये कहा, ये भी सत्य के करीब है, सत्य के करीब करीब है, मैं भी सत्य के करीब हूँ। ठीक है, फर्क इतना है कि आप लोग पत्रकारिता के धर्म को थोड़ा पैनेपन से निभाओ। मैंने कहा कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 10 दिन में 2 लाख रुपए मैं माफ कर दूंगा, नहीं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। एक का भी 10 दिन में 2 लाख माफ हुआ हो तो राम निवास जी बताएं, यहीं कर्ण पकड़ के उठक बैठक लगाऊंगा यहीं पे आपके मंच। ये तो बड़ा एक बात दूसरा इनने कहा कि अनैतिक तरीके से सरकार गिरा दी हमने, ये बोले दे चुके हैं इसी मंच पे, दे चुका हाँ। वो थे नहीं, वो देख मैंने बताया उनको कि हमने नहीं गिराई, अपना घर नहीं रखा पाए तुम, अपना घर संभाल लेते तो हम कहां से होते, आपकी पार्टी टूटी, भगदड़ आपके घर में मची, हम कहां से थे, हम तो दूसरे बड़े दल थे, 107 लिए बैठे थे। जब आपका सीएम इस्तीफा देगा तो हम दावेदारी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे,